हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन, दैट इज विनिंग फ्रीडम। एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रॉलट एक्ट आफ्टर इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। बेटा, बिफोर दिस वी शॉ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वार with a hope that Britishers will make us free from their slaveness. So Indian participated in the first world war towards Britishers, but after the first world war, Britishers are not ready to free us, and they started making the new policies for Indians, and they started exploiting the Indian. So after that we will see the Rowlatt Act. Beta, the Rowlatt Act was passed in 1919. Rowlatt Act beta sabse pehli cheez hai. First thing is, when was Rowlatt Act was passed? That year was 1919. This act was termed as Black Act, मतलब this act was termed as, मतलब इसको किस तरीके से माना गया, as a Black Act, मतलब काला कानून। क्यों? As it authorized the government to arrest without trial anyone suspicious of working against the government. बेटा, if there is anybody in doubt that person is doing the work against the government, in that condition government have right to arrest that person and without trial मतलब बेटा उसको किसी भी तरीके की उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधे उसको पकड़ा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस एक्ट वाज कॉल्ड एज ब्लैक एक्ट। एंड महात्मा गांधी हु हैड रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी हु हैड रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 आस्क्ड पीपल टू अपोज द अनजस्ट ब्रिटिश लॉ। उन्होंने क्या नारा लगाया या क्या कहना शुरू किया बेटा, अपोज द अनजस्ट ब्रिटिश लॉ, मतलब जो ब्रिटिशर्स का अन्यायप्रिय या अन्याय को सपोर्ट करने वाला कानून है उसको अपोज करने के लिए लोगों से कहा। पीसफुल प्रोटेस्ट वेयर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री, एंड By this peaceful protest, मतलब शांतिपूर्वक विरोध स्टार्ट हो गया। एंड नाउ वी विल सी द जलियांवाला बाग मैसेकर। बेटा, दैट वॉज द डे ऑन अप्रैल 13, 1919, अ पीसफुल पब्लिक गैदरिंग ऑफ अबाउट 10,000 मैन वेमेन एंड चिल्ड्रेन वॉज हेल्ड इन द जलियांवाला बाग इन अमृतसर। अमृतसर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनलॉफुल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा, जलियांवाला बाग में उस दिन क्या था कि लोग इकट्ठा हुए थे, जो भी ब्रिटिशर्स की अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही थी या अनलॉफुल कानून बनाए जा रहे थे उसके अगेंस्ट में इकट्ठा हुए थे, लगभग 10,000 से भी ज़्यादा। और ठीक उसी समय क्या होता है बेटा, अ ब्रिटिश ऑफिसर नेम्ड जनरल डायर, एक ब्रिटिश ऑफिसर था बेटा, उसका नाम क्या था, जनरल डायर। उसी समय जनरल डायर की एंट्री होती है। जनरल डायर बेटा कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था, जनरल डायर की एंट्री होती है। केम विथ हिज ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब है बेटा सैनिकों के साथ। ब्लॉक द ओनली एग्जिट फ्रॉम द पार्क एंड ओपन फायर ऑन द इनोसेंट पीपल विदाउट वार्निंग। और उसने क्या किया बेटा, इनोसेंट लोगों पे, निर्दोष लोगों पे, मतलब खुली छूट दे दी कि गोली चलाते रहिए। और क्या होता है बेटा, द फायरिंग स्टॉप्ड ओनली व्हेन, और फायरिंग तब स्टार्ट हुई व्हेन ऑल द एमुनिशन का मतलब होता है बेटा कारतूस, मतलब बंदूक में या राइफल में जो कारतूस या जो गोली भरी जाती है वो जब तक ख़त्म नहीं हो गया, वॉज्ड यूज्ड अप, जब तक वो सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो गई, सारी गोलियाँ ख़त्म नहीं हो गई, थाउजेंड्स वर किल्ड
एंड इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट, मतलब हजारों लोग इसमें मारे गए और कई लोग जो है घायल भी हुए. सो दिस इंसिडेंट पुट अस इन अ ग्रेट वरी. सो दिस जलियांवाला बाग मैसेकर, मैसेकर का मतलब होता है बेटा हत्याकांड. कीप इन माइंड, हत्याकांड मतलब बेटा जब एक साथ हम बिना किसी उसके कई लोगों को जान से मार दें या मरवा दें, उसको हम लोग बोलेंगे मैसेकर. सो द इंसिडेंट स्पार्क फ्रेश रो ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड गेव बर्थ टू द अनदर ग्रेट मूवमेंट. और इस जलियांवाला बाग ने दूसरे मूवमेंट के लिए जो है एक फिर से नई स्टेप दिया इंडियंस को. आफ्टर जलियांवाला बाग द इट गेव अ डीप वरी इट गेव डीप स्ट्रेस टू इंडियंस एंड दे आर गोइंग टू अरेंज दे आर गोइंग टू डू द अनदर खिलाफ अनदर मूवमेंट. ओके सो नाउ वी विल सी द खिलाफत मूवमेंट. बेटा द वर्ल्ड खिलाफत मीन्स प्रोटेस्ट. खिलाफत का मतलब होता है बेटा किसी चीज का विरोध करना. द मुस्लिम इन इंडियन वर एंगर्ड बाई द ट्रीटमेंट ऑफ द सुल्तान ऑफ टर्की. द सुल्तान वॉज कंसिडर्ड द खालिफ ऑफ रिलीजियस लीडर ऑफ द मुस्लिम द वर्ल्ड ओवर. मतलब पूरी दुनिया में, मतलब जो शासक हुआ करते थे बेटा, जब तक उनको खलीफा की वहाँ पर से परमिशन नहीं मिल जाती थी तब तक वो अपना पद धारण नहीं करते थे. तो इनके खिलाफ जो हुआ उससे मुस्लिम समाज को काफ़ी ठेस पहुँचा. टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, इस चीज़ का विरोध करते हुए वेरियस इंडियन लीडर्स सच एज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एम ए अंसारी, सैफुद्दीन किचलू एंड अली ब्रदर्स लॉन्च दिस मूवमेंट. ये बेटा जो मूवमेंट था वो मुस्लिम्स के द्वारा लॉन्च किया गया, मुस्लिम लीडर्स के द्वारा. सो नाउ वी विल सी द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है असहयोग. बेटा जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं या उसकी नीतियों में उसको उसका फॉलो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेशन. बट इन नॉन कोऑपरेशन का मतलब वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनी सिस्टम और एनी थिंग, दैट इज कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ओके इन 1920 बेटा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में. द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाई महात्मा गांधी. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेटा किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा. टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर, मतलब किसके खिलाफ में? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था बेटा, मैसेकर का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, इसका मतलब होता है हत्याकांड, जब एक साथ हम कई लोगों को मार देते हैं, दैट इज कॉल्ड मैसेकर. एंड द अनजस्ट एंड द अनफेयर एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ये बेटा नॉन कोऑपरेशन में मूवमेंट चलाया गया था जो ब्रिटिशर्स का अनलॉफुल एक्टिविटी थी उसके द्वारा, उसके कारण. सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या होता है? वॉज अ मेजर सेटबैक फॉर द गवर्नमेंट. मतलब बेटा नॉन कोऑपरेशन का मतलब है कि इसमें हम लोग गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स का हम किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट करने नहीं जा रहे थे. जो ऑल द पीपल हु आर इन द गवर्नमेंट जॉब दे रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब एंड द स्टूडेंट हु आर इन द ब्रिटिशर्स स्कूल दे लीव द स्कूल एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज मेजर सेटबैक फॉर द गवर्नमेंट. द मूवमेंट वॉज लेटर ज्वाइंट विद द खिलाफत मूवमेंट. और ये मूवमेंट बेटा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, जो खिलाफत मूवमेंट था, उससे जाके जुड़ता है ना, जुड़ जाता है एंड बिकम अ बिगर प्रॉब्लम फॉर द ब्रिटिश. और ब्रिटिशर्स के लिए बिगर प्रॉब्लम हो जाती है. क्यों? क्योंकि जो खिलाफत मूवमेंट है बेटा वो जितने भी मुस्लिम लीडर थे हमारे कंट्री के उनके द्वारा किया जा रहा था, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कांग्रेस थी, खुद गांधी जी थे. तो एक तरह से अगर देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम फिर से एक हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ा परेशानी का कारण बनता है ब्रिटिशर्स के लिए. दिस स्ट्रेथेन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी दैट द ब्रिटिश वर
वरी ऑफ, मतलब ब्रिटिश किस चीज से चिंतित थे, क्योंकि इसमें क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम फिर से एक हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अ वायलेंट इंसिडेंट टुक प्लेस एट इन चौरी चौरा, चौरी चौरा में बेटा एक वायलेंट इंसिडेंट होता है, और उसके बाद क्या होता है, इन 1922 दिस इंसिडेंट विलेजर्स एजिटेटेड बाय द किलिंग ऑफ सम पीपल सेट अ पुलिस स्टेशन ऑन फायर, मतलब एक पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, इन विच 22 पुलिसमैन वर किल्ड, मतलब इसमें चौरी चौरा हत्याकांड में 22 पुलिस वालों को मार देते हैं। और इस चीज़ से आहत होकर के, इस चीज़ से गांधी जी को झटका लगता है, और वो क्या करते हैं, अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लेते हैं, मूवमेंट व्हेन इट बिकम वायलेंट, क्योंकि जो उनका मूवमेंट था एक तरीके से वायलेंस से भरा हुआ हो गया, मतलब इसमें वायलेंस हो गई, इसलिए उन्होंने अपना मूवमेंट वापस ले लिया। अब बेटा बात आती है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है द साइमन कमीशन। बेटा जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन इसलिए बोला जाता है कि इस कमीशन के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था साइमन, उनका नाम था साइमन, टू पेसिफाई द पीपल द गवर्नमेंट सेट अप द साइमन कमीशन इन 1928। बेटा एट दिस टाइम द ब्रिटिशर्स वर फेसिंग डिफिकल्टीज, जो ब्रिटिशर्स हैं बेटा इस समय प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, किस लिए, ड्यू टू द रेगुलर प्रोटेस्ट बाय द पीपल, मतलब लोगों के लगातार विरोध प्रदर्शन से, टू डेट्रॉइटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, टू पेसिफाई द पीपल द गवर्नमेंट सेट अप द साइमन कमीशन, मतलब हम लोगों को पेसिफाई करने के लिए बेटा गवर्नमेंट ने क्या सेट किया था, साइमन कमीशन, किस ईयर में, इन विच ईयर, इन 1928। द कमीशन वुड हियर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल एंड मेक सुटेबल अमेंडमेंट्स। कमीशन का क्या काम था, साइमन कमीशन का ये काम था कि लोगों की बातों को सुने और जो भी जरूरत के हिसाब से जो भी अमेंडमेंट, जो भी सुधार होने थे उसके बारे में, उस पॉइंट को जो है, जो क्राउन है उसको जो है बताए या समझाए या अपना सुझाव दें। नेक्स्ट है बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, और बेटा हम लोग दूसरे एक चीज़ और है, जो साइमन कमीशन है बेटा इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि इसमें कोई भी इंडियन, किसी भी इंडियन मेंबर को नहीं रखा जा रहा था, जबकि इंडिया के लोगों के लिए साइमन कमीशन बना था। इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय और बहुत सारे लोग साइमन गो बैक का नारा देते हैं, साइमन कमीशन को ब्लैक फ्लैग दिखाया जाता है, और जब ये प्रोटेस्ट करने जाते हैं, विरोध करने जाते हैं साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए, उसी समय लाला लाजपत राय के ऊपर पुलिस वाले लाठीचार्ज करते हैं, जिसमें कि उनकी कुछ समय के बाद डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ द महात्मा गांधी। सो कीप इन माइंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन, लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, वॉज स्टार्टेड इन 1930। ये बेटा कब स्टार्ट हुआ था, वेन इट वॉज स्टार्टेड, इट स्टार्टेड इन 1930। गांधी जी आस्क्ड पीपल टू रिफ्यूज पे टैक्सेस, गांधी जी ने लोगों से क्या कहा था बेटा, टैक्स देने से मना करने के लिए, स्पेशली द साल्ट टैक्स दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड लेविड ऑन द पीपल, और लेविड का मतलब क्या होता है बेटा, टैक्स को इम्पोज करना, टैक्स को इम्पोज करना, टैक्स को इम्पोज करना, ओके, जो लोगों पे टैक्स लगाया गया है उसको जो है इन्होंने मना किया था। नेक्स्ट है बेटा, तो इस चीज़ के लिए गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की थी, कहाँ से, साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है, वहाँ से डांडी गुजरात के लिए। गांधी जी मेड सॉल्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, गांधी जी ने क्या किया था बेटा, मेड सॉल्ट, उन्होंने नमक बनाया था सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए। दिस मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, द पीपल पार्टिसिपेटेड इन द लार्ज नंबर, बहुत सारे लोग इससे जुड़े, दे ब्रोक लॉ, कर्टेड अरेस्ट वॉलंटरली,
This movement eventually forced the government to call the leaders and discuss their demands. मतलब इस मोमेंट से लोगों को ये बताया गया कि मतलब लोगों को मतलब यहाँ के जो लीडर्स हैं उनको बुलाया गया और बातचीत करने के लिए अंग्रेज राजी हुए. However, the government backtracked on its promise when it saw that movement was suspended. नेक्स्ट है बेटा हमारा, हम लोग आते हैं फिर क्विट इंडिया मूवमेंट पे. क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी. जो क्विट इंडिया मूवमेंट है बेटा, महात्मा गांधी के द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है अगस्त 1942 में. और इसका एम क्या था? एम एट थ्रोइंग आउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया. और इस क्विट इंडिया मूवमेंट का जो मेन एम था वो ये था कि इंडियन गवर्नमेंट सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से बाहर फेंकना, मतलब बाहर निकालना. गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई. और इस समय गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो. नेक्स्ट है बेटा हम लोग बात करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी. इंडियन नेशनल आर्मी, जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसको हम लोग आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं. और इसको बेटा किसने बनाया था? हु फॉर्म दिस? दिस वॉज फॉर्म बाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस. और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्लोगन दिया था जय हिंद का. जय हिंद का स्लोगन दिया था बेटा. एंड दूसरा स्लोगन इनका क्या था? गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम. तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ये स्लोगन था सुभाष चंद्र बोस का. कीप इन माइंड जय हिंद इट इज ऑल्सो गिवन बाई द सुभाष चंद्र बोस. एंड नाउ दिस टाइम फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया. इंडिया अटेन्स फ्रीडम. अब इंडिया बेटा अपनी फ्रीडम कब पाती है? दैट वॉज द डे ऑन 15 अगस्त 1947 को इंडिया फ्री होती है. इंडिया बिकेम अ फ्री नेशन एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब बेटा जो स्वतंत्र भारत है उसके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं. बट दिस फ्रीडम डिड नॉट कम विदाउट अ प्राइस. मतलब ये जो फ्रीडम है बिना कीमत चुकाए नहीं मिली हम लोगों को. दिस द कंट्री वॉज पार्टीशन इंटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. रिलीजन के नाम पे कंट्री को दो भागों में बांट दिया गया. द हिंदू डोमिनेटेड पार्ट रिमेंड इन इंडिया. जो हिंदुओं से भरा हुआ समाज था या हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं से जो भरा हुआ था वो इंडिया में रुके. वेयर एज द मुस्लिम डोमिनेटेड पार्ट वॉज कॉल्ड पाकिस्तान. और मुस्लिम डोमिनेटेड जो पार्ट था बेटा उसको हम लोग पाकिस्तान बोलते हैं. इंडिया बिकेम अ सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950. तो बेटा 26 जनवरी 1950 को इंडिया सॉवरेन का मतलब होता है बेटा नोबडी इज अलाउड टू इंटरफियर इन आवर मैटर. मतलब हमारे कंट्री से जुड़ा हुआ अगर मुद्दा है, हमारे देश के लोग अगर डिसाइड करते हैं तो उसमें कोई भी दूसरी कंट्री इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता. सेकुलर मतलब है बेटा इंडिया का कोई धर्म नहीं है. देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ आवर कंट्री. इंडिया बिलीव इन ऑल रिलीजन एंड सपोर्ट ऑल रिलीजन. डेमोक्रेटिक मीन्स हियर द पावर टू मेक द गवर्नमेंट दैट लाइज इन हैंड ऑफ कॉमन पीपल दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक. एंड इट इज बिकेम ऑन 26 जनवरी 1950. सो इट्स ऑल अबाउट आवर टूडेज क्लास एंड दिस लेसन. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.